नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं टीटीएन न्यूज 24। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय बलरामपुर के सभा कक्ष में अंतर जनपदीय संयुक्त बॉर्डर समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में सरगुजा रेंज के बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा और जशपुर के साथ साथ जिले से लगने वाले तीनों पड़ोसी राज्यों के पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी सम्मिलित हुए। समीक्षा बैठक में पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रामगोपाल गर्ग, राजकुमार लकड़ा, पुलिस महानिरीक्षक पलामू श्री डी रविशंकर, पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर रिमिजियस एक्का, कलेक्टर बलरामपुर डॉक्टर लाल उमेद सिंह, पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रीना जमील, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर शेखर जमुआर, कलेक्टर गढ़वा अंजनी कुमार झा, पुलिस अधीक्षक गढ़वा भोर सिंह यादव, कलेक्टर लातेहार अंजनी अंजन, पुलिस अधीक्षक लातेहार आई कल्याण एलएसएला, पुलिस अधीक्षक सूरजपुर कुंदन कुमार, कलेक्टर सरगुजा सुनील शर्मा, पुलिस अधीक्षक सरगुजा डॉक्टर रवि मित्तल, कलेक्टर जशपुर सम्मिलित हुए। हमारे जैसे आपको ज्ञात होगा कि बूढ़ा पहाड़ जो हमारे झारखंड राज्य में आता है, वहाँ पर पिछले कुछ महीनों से पुलिस की प्रेजेंस बढ़ी है, वहाँ पे कैंप खोले गए हैं। उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में भी बलरामपुर के चुनचुना कुंदाग एरिया में भी पुलिस के द्वारा प्रेजेंस पर कैंप खोला गया है, तो जिससे कि नक्सल गतिविधियों में काफ़ी हद तक कमी आई है। तो उसी समन्वय के लिए ही इस मीटिंग में भी चर्चा हुई कि किस प्रकार आगे नक्सल अभियान चलाया जा सकता है। उसको लेकर भी वही है कि जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, हमारे कलेक्टर साहब लोग इसमें मीटिंग में उपस्थित थे, सभी ने ये इस चीज़ का डिस्कस किया है कि कैसे डेवलपमेंटल वर्क्स बारिश से पहले और बारिश के बाद करवाए जा सकते हैं। ये जो मैंने आपको भी बिंदु बताए कि बॉर्डर से रिलेटेड अनुवांछित व्यक्तियों और अनुवांछित पदार्थों का जो आवागमन है उस पर कैसे रोक लगाई जाए, इस पर चर्चा।